हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे हेमोलिप्सिस नाना की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, पहले तो एक छोटा सा सर्कल, सेमी मतलब कि सर्कल टाइप का बना दो लिप्सिस फॉर्म में, ठीक। अब इसका क्या करो, एक ये कंडा, फिर ये एक मतलब कि एक एक कर्व, दूसरा कर्व, फिर एक बड़ा सा कर्व बनाओ, ठीक है ना। दो कर्व बना दो भाई, और इसी कर्व को ऐसे खींच दो, ठीक है ना। जैसे एकदम घुमाते हुए पूरा खींच दो, ऐसे ऐसे घुमा के खींच दो, ठीक है ना। तो मेरी तरह मत खींचना, थोड़ा सा तुम अच्छे से खींचना जाए तो मैं ऐसे फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। ये एक अंडा, फिर इसका ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व बड़ा होगा, ठीक है। पहला कर्व, दूसरा कर्व बड़ा होगा, फिर ये ऐसे घुमा दो, ठीक है ना। इसी को ऐसे घुमा दो, फिर ये ऐसे घुमा दो, ठीक है ना। इसी को ऐसे घुमा दो और यहाँ पे ऐसे घुमा दो। ये तो ये हेमोलिप्सिस नाना का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसके मैं बात करूंगा, ठीक है। ये अभी तो लग ही नहीं रहा है क्या है, ये क्या बना दिया है। तो ये क्या है, इसका पहले तो मैं धीरे धीरे लेवल करना शुरू करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये सिंगल रो ऑफ हुकलेट्स है, सिंगल रो ऑफ हुकलेट्स, ठीक है ना। सिंगल रो ऑफ हुकलेट्स है यहाँ पे, ठीक है। इसके हुक्स होते हैं यहाँ पे। अब इसके कुछ सकर्स होंगे भाई, इसमें कुछ सकर्स होते हैं। इसका हेड है ये, तो ये स्कोलेक्स हो गया। ये जो इसका पूरा हेड है, इसी को स्कोलेक्स कह देंगे। इसके कुछ सकर्स होते हैं, तो चार सकर्स मैं बना दूँ इसके, ठीक है ना। कार्टविल अपीरेंस में हो गया इसका, कार्टविल अपीरेंस हो गया, तो इसके सकर्स हो गए ये, ठीक है ना। इसके सकर्स हो गए। अब इसका मैं क्या बना दूँ, स्ट्रॉबेला बना दूँ, स्ट्रॉबेला फॉर्मेशन दिखा दो। तो इसी में सेगमेंटेशन हल्का हल्का ले, ऐसे ऐसे सेगमेंटेशन बना दो, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रॉबेला हो गया। अब यही क्या करते हैं, बाद में आपको क्या बना देते हैं, कुछ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बना देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है, जो ये जो ग्रेविड प्रोटोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो झड़ते हैं जो, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं झड़ते हैं, तो इसी का ये बेसिक स्ट्रक्चर है हेमोलिप्सिस नाना का। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।